हेलो गाइस, कल हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर के बारे में कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कैसे इसको डिफाइन किया जाता है और आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो आज हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो अभी तक कंस्ट्रक्टर ही चल रहा है वैसे तो, लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आज होगा आपके कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्या होगा? कॉपी कंस्ट्रक्टर। आज हम देखेंगे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर को किस तरीके से यूज किया जाता है आपके प्रोग्राम में और किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर जो होता है कि जब हम एक से अधिक आर्गुमेंट को पास करना चाहते हैं। अभी तक देखिए हमने जो पढ़ा था आपके क्या होता लास्ट टाइम पर हमारा जो हुआ था डिफॉल्ट हुआ था, ठीक है, उसके बाद में पैरामीटराइज हुआ था, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हुआ था, ये दोनों हमने अभी तक पढ़े, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा था कि जब हम किसी भी प्रकार के आर्गुमेंट को पास नहीं करते, इट मीन्स कि जब हम फिक्स साइज की वैल्यू को करते हैं, क्या करते हैं, फिक्स वैल्यू, जब हम फिक्स वैल्यू को कंस्ट्रक्टर के लिए असाइन करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये हमारे बात होती थी। और एक हमने ये पढ़ा था कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं, और इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, ये जो है इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। इसमें क्या कहते हैं, फिक्स वैल्यू, इट मीन्स इसमें किसी प्रकार की वैल्यू को आर्गुमेंट को पास नहीं करते, सिंपल सी बात है। अब पैरामीटराइज का मतलब हमने बताया था कि इसमें क्या करते हैं, इसका अपोजिट हो जाता है, इसमें क्या करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं, क्या करते हैं, आर्गुमेंट पास, क्या करते हैं, आर्गुमेंट को इसमें पास किया जाता है। ये दो बातें हमने एकदम सीखी थी अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कि हमें कैसे किस प्रकार से वैल्यू को डिक्लेयर करना है। देखिए प्रोग्राम में जो चेंजिंग होती है वो बस इसी का लक्षण होता है, आपके एक तो जो होता है हिडन टाइप का होता है और दूसरा जो होता है आपके पैरामीटराइजेशन, इट मीन्स आपके जो होता है वो आर्गुमेंट लिस्ट के बारे में होता है। और ये तो फंक्शन नेम है डिफॉल्ट पैरामीटर, मतलब जिसमें फिक्स वैल्यू डालते हैं, किसी प्रकार वैल्यू नहीं डालते, हमने पहले से फिक्स कर दिए, आर्गुमेंट में डालने जरूरत नहीं पड़ेगा, असाइन कर दिया हमने तो वो डिफॉल्ट हो गई। और यदि हम उसके अंदर आर्गुमेंट पास करवाते हैं तो उसमें वो क्या बोलते हैं, पैरामीटर भी बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं, पैरामीटराइज करते हैं। और अगर आज आपके जो बात हम करते हैं वो हमारे आज वाला जो टॉपिक हुआ है हमारे कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। बड़े इजी से कंसेप्ट है, ज़्यादा कोई मतलब बात नहीं, सिंपल सी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बड़े इजी से, बड़े इजीली आपके क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट जितने भी। तो देखिए दोस्तों आज हम क्या करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर करते हैं। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर होता है वो क्या होता है कि जब हम एक से अधिक आर्गुमेंट को, इसमें क्या होता है, हम भेजे नहीं था आर्गुमेंट, इसमें हमने पास किया था आर्गुमेंट तो पैरामीटराइज हो गया। इसमें हम क्या करेंगे कि जब हम एक से अधिक पैरामीटर को पास करते हैं, जब हम एक से अधिक आर्गुमेंट को पास करना चाहते हैं तब उसके स्थान पर ऑब्जेक्ट को पास किया जाता है, तब उसके स्थान पर ऑब्जेक्ट को पास किया जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्या करेंगे हम यहाँ पर आपके, देखिए है तो कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट को पास करेंगे, किसको पास करेंगे, ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। क्लियर है कंसेप्ट, इतना तो आपके डेफिनेशन को समझ में आ गया होगा। मैं वापस बोल देता हूँ मैं कि यदि हम एक से अधिक आर्गुमेंट को पास करना चाहते हैं किसी भी कंस्ट्रक्टर में, यदि हम किसी भी कंस्ट्रक्टर में एक से अधिक आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं तब हम उसे कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं, तब हम उसे कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। देखिए यहाँ पर और उसके स्थान पर, सॉरी इतना और लिखना, उसके स्थान पर ऑब्जेक्ट को पास किया जाता है कि जब हम किसी भी कंस्ट्रक्टर में एक से अधिक आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं तब हम उसके स्थान पर ऑब्जेक्ट को पास करते हैं, किसको पास करेंगे, ऑब्जेक्ट को पास करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। कैसे, देखिए आप इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, उसके बाद में हम इसको प्रोग्राम में डिफाइन करेंगे, प्रोग्राम के द्वारा समझेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके क्लियर हो जाएगा। देखिए जब भी हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है हमने सीखा है, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम बना चुके हैं हमें, सिंपल कंसेप्ट है। हर एक प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम्स आपके बनते हैं उनमें जितने भी क्लासेस बनेंगी, जितने भी आपके प्रोग्राम चलेंगे सीक्वल क्लास के अंदर आपके, उन सबके अंदर क्लासेस बनेंगी। और मैंने आपको बता रखा है, सिंपल सा फॉर्मूला बता दिया आपको कि बेसिक कंसेप्ट, और मैं
आपके सहूलियत के लिए आपको जो है डिफिकल्ट ना लगे उसके लिए मैं ज़्यादातर प्रोग्राम में लगभग सेम ही नेम सेम सब कुछ होता हूँ, कुछ भी चेंज नहीं करता ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आप बेसिक कंसेप्ट है कि जब भी हम क्लास बनाते तो क्या कहते हैं क्लास कीवर्ड और क्लास का नेम, जैसे मान लीजिए टेस्ट रखा, कल भी हमने टेस्ट रखा, परसों भी हमने टेस्ट रखा, सेम रख देता हूँ और हल्की फुल्की ही चेंजिंग करता हूँ। मैं जानबूझकर आपके लिए ही ज़्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं करता ताकि आपको दिक्कत आए और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर क्लास क्लास का नेम इसके अंदर क्या करें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर इंटीजर ए बी, इंटीजर ए बी बना दिया। और मैंने आपको बता रखा है कि जब हम किसी भी प्रकार के एक्सेस मॉडिफायर का यूज नहीं करते हैं तब उसे बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है, प्राइवेट। तो ये क्या हुआ, प्राइवेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, पब्लिक। पब्लिक के अंदर हम क्या करेंगे, देखिए हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा क्या चल रहा है, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर आपका जो टॉपिक चल रहा है तो आप फंक्शन बनाओगे वो भी किस प्रकार से बनाओगे, कंस्ट्रक्टर टाइप के। और कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे कि भाई कंस्ट्रक्टर जब भी हम बनाएंगे तो क्या होगा, क्लास का नेम तथा कंस्ट्रक्टर का नेम, इट मीन्स फंक्शन का नेम सेम होगा। वो किसी भी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, यहाँ तक कि वो वर्ड को भी रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, और नेक्स्ट बात मैंने बताई थी उसको पब्लिक पार्ट में हमेशा डिक्लेयर किया जाता है। और एक और मैंने यहाँ पर जैसे आपके ये हो गया, ठीक है, सपोज आपके ये हो गया, ये तो क्या हो गया क्लास होगी। अगर मैं दूसरी मिनट में यहाँ पर बात करूँ ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, अब मैं ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट बनाने में मैंने आपको बता रखा, मैंने आपको कल बड़े अच्छे और ढंग से समझाया था, दो चीज़ें बहुत क्लियर अच्छे से की थी मैंने कल। क्या किया था मैंने आपको अलग अलग करके बताया था प्रोग्राम को, दो भागों में डिवाइड करके बताया था कि किस प्रकार से पढ़ाओ आप जो है ना प्रोग्राम को रटे होते। देखिए प्रोग्राम अगर रटोगे, ये मैथ है एक्चुअली, मतलब एक मैथ की तरह ही होगी। अब मैथ में क्वेश्चन अगर रटोगे तो वो कब तक लिख के रखोगे, आप रटे मत इस चीज़ से, रटोगे तो बोल जाओगे। इसको समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे मैंने बताया आपको क्लास जब भी हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा क्लास को बनाना, क्लास कीवर्ड क्लास का नेम। सेकंड जो स्टेप होता है आपका कैलिब्रेट सिस्टम बनाना। थर्ड स्टेप जो होता है आपके आपके क्या होता है वेरिएबल बनाना। फोर्थ स्टेप होता है आपके क्या होता है पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को डिक्लेयर करना। उसके बाद क्या होता है पांचवा जो स्टेप होता है हमारे वो होता है फंक्शन बनाना। जिस भी प्रकार का फंक्शन बनना चाहते हो, चाहे सिंपल फंक्शन हो, चाहे फ्रेंड फंक्शन हो, चाहे स्टैटिक फंक्शन हो, मेमोरी फंक्शन हो, या चाहे आपके जो है कंस्ट्रक्टर टाइप का हो, और आगे भी जाके इनहेरिटेंस वर्चुअल बेस्ड क्लास और सब कुछ बारे में, चाहे किसी वेट में आपके एक्टिवेट जो भी आपके जितने भी फंक्शन बनाना चाहते हो, किसी भी प्रकार फंक्शन क्यों ना हो, लाइक जो आपका वो होता है। और फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद क्लास बंद कर दीजिए, सिंपल सी काम आपके। और वैसे ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बता रखा कि जब भी आप बनाओगे तो क्या करना, सबसे पहले जो आपका जो कार्य होता है क्या होता है वर्ड मेन होता है, क्या होता है वर्ड मेन बनाते हो आप सिंपल सा हर किसी प्रोग्राम में। उसके बाद आप सीएनआर सर्वर यूज करते हो, सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपके हमने बनाया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास का बनता है। वापस सुन लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि ऑब्जेक्ट जब भी बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट जब भी बनाया जाता है, जब भी बनाते हैं हम, तब हमेशा ऑब्जेक्ट जो है क्लास का बनता है। तो क्लास का बनने का मतलब क्या होगा, क्लास का बनने का मतलब ये होगा कि जब भी हम बनाएंगे तो क्लास नेम का यूज वहां पर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आपके क्लास का नेम हो गया और ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट से मान लीजिए टी वन बनाता हूँ, और एक बनाता हूँ टी टू, और एक बनाता हूँ टी थ्री, तीन ऑब्जेक्ट बना दिए। आप चाहो कि आपने ए बी सी कुछ भी लो, प्रोजेक्ट कुछ भी, बस आपके रिजल्ट कीवर्ड्स बस नहीं होना चाहिए। जो मैंने आपको आइडेंटिफायर्स के रूल्स बताए थे शुरुआत में, वो आपके रूल्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। उन रूल्स को आप ध्यान में रखते हुए आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। ये तो होगी इसकी बात। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप, मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ कि आप इसमें कॉपी कैसे करोगे कंस्ट्रक्टर को, इट मीन्स आप ऑब्जेक्ट को कैसे पास करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते देखिए जैसे जैसे मैंने यहाँ पर किया टी वन। देखिए एक चीज़ भी बता देता हूँ मैं आपको, मैंने आपको एक रूल्स बताया था कि अब कि कंस्ट्रक्टर को कभी भी कॉल नहीं किया जाता है। जैसे हम कंस्ट्रक्टर के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके जो है कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तीनों के द्वारा ये कंस्ट्रक्टर वाला जो पार्ट है ये आपके कॉल हो गया। अब जैसे कॉल हो गया, मान लीजिए यहाँ पर आपने बनाया पहले टी वन बना दिया मान लीजिए सपोज आपके, और आपने इसके अंदर 100 वैल्यू डाल दी, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे टी टू,
अलग अलग बना रहा हूँ मैं, आप चाहो तो साथ में बना सकते हो, लेकिन क्या मैं आर्गुमेंट दे सकता हूँ इसलिए मैं अलग बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, सिर्फ आपको ज़्यादा डिफिकल्ट ना लगे इतनी मशीन। तो मैंने क्या किया यहाँ पर टी टेस्ट टी वन का बनाया, जिसके अंदर क्या है वैल्यू पास कर दी, जिसमें यहाँ पर मुझे एक वैल्यू पास करवा दी सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने क्या किया 100 वैल्यू पास करवा दी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि मुझे 100 नहीं, मैं आपको 3 बार 100 100 आपके आर्गुमेंट के रूप में पास करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ कि 3 बार क्या करना चाहता हूँ मैं, जैसे 100 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 100 हो गया, मैं 3 बार चाहता हूँ कि इतनी वैल्यू पास हो एक वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो आप सिंपल सा सिस्टम है कि आप क्या करोगे T2 में भी 100 डाल दीजिए, T3 में भी 100 डाल दीजिए, हो गया। लेकिन वो आपके कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, वो क्या नहीं होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया कि जब हम ऑब्जेक्ट को पास करते हैं, क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को पास करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि T2 के अंदर T1 पास करवा देंगे, क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर अच्छे से समझिए आप, यहाँ पर हम क्या कर देंगे आपके यहाँ पर T2 के अंदर T1 पास करवा देंगे सिंपली। देखिए एक तो ये तरीका होता है आपके पास करवाने का, एक सिंपल तरीका और बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, आप किसी भी तरीके को यूज कीजिए कोई दिक्कत नहीं, प्रोग्राम दोनों के नाम से होता है। जैसे T3 को करेंगे वैसे सेम, अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो T2 भी पास करवा सकता हूँ, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पर चाहूँ तो आपके T=T2 भी कर सकता हूँ, ये भी कंसेप्ट सही है, कंसेप्ट जो है आपके दोनों के दोनों सही है, चाहे आप इसका भी यूज कीजिए, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कीजिए। बट मैंने आपको ये बता दें कि आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। तो ये जो था आपके दोस्तों आपके बेसिक कंसेप्ट था, एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझा था कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे होता है, आप चाहते हो इसे नोट कर लीजिए, और तब तक मैं इसको ना प्रोग्राम में डिफाइन करता हूँ कि हम प्रोग्राम में इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे पास कर सकते हैं, हम समझेंगे अच्छे से इसको कि किस तरीके से प्रोग्राम बनाया जाता है इसका, और किस तरीके से ऑब्जेक्ट को पास किया जाता है। और बड़े सिंपल सिंपल मैं आपके लिए ना बड़ा ही इजी कंसेप्ट, इजी आपको प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ आपके लिए, बहुत ईजी, मैंने जितना हो सकता है उतना ईजी बनाने की कोशिश की इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं, हालांकि बड़ा चाहे तो कितना बना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा यहाँ पर जो टारगेट है, जो मकसद है ना, वो इतना ही है कि हम यहाँ पर आपके प्रोग्राम के जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि जब भी प्रोग्राम आता है तो ऐसा कभी नहीं आता भाई बड़ा प्रोग्राम बनाइए, प्रोग्राम प्रोग्राम होता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, इससे बात से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर कि प्रोग्राम बड़ा बनाइए नहीं छोटे प्रोग्राम बना दिए। क्वेश्चन आता है सिंपली, आप क्या आता है, क्या आता है क्वेश्चन कि कॉपी कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम बनाइए, या क्वेश्चन आ जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं, या क्वेश्चन आ जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर का उदाहरण से समझिए, तो आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, वो यूजर के आपके स्टूडेंट पे छोड़ देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉलन डॉट एच, जो हम सभी बनाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने क्लास बनाई, किया मैं टेस्ट बना लेता हूँ आपको सेम एग्जाम्पल वाले, और मेरा तीसरा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कितना है 3 नंबर ही, लेकिन तीनों में मैंने क्लास भी सेम ले रखी है, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिए ताकि आपके ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना हो, इसलिए मैं सेम रखता हूँ। आप चाहो तो तीनों प्रोग्राम को कंपेयर करके देखोगे कि भाई किस में क्या क्या चेंजिंग है, तो आसानी से बड़ा और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कि यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर देख लिया जैसे मान लीजिए मैंने किया इंटीजर ए और बी, चाहो तो आप ए भी रख सकते हो, बी भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने क्या किया ए और बी रख दिया यहाँ पर, और सिंपल फिर हमने क्या किया पब्लिक आपके कीवर्ड एक्सेस मॉडिफायर का यूज किया यहाँ पर, और हमने यहाँ पर क्या करेंगे हम कंस्ट्रक्टर को बनाएंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को बनाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर को जब भी हम बनाते हैं तो मैंने बता रहा था आपको क्या करेंगे, क्लास के नेम के सेम आर होना चाहिए, मैंने आपको नॉर्मल फंक्शन में ये बताया था कि यूजर डिफाइन होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं यूजर डिफाइन होते हैं, ये सही बात है, ये भी आप यूजर डिफाइन है क्योंकि क्लास में हमने यूजर के अनुसार रखी है, लेकिन इसका कंसेप्ट है कि जैसा क्लास का नाम रखोगे वैसा ही आपको फंक्शन का नाम रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपके ये जो है एक बंदिश होगी एक प्रकार की, ठीक है। हम यहाँ पर अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इसके अंदर दो वैल्यू ले रहे थे इंटीजर और इंटीजर। देखिए कल हमने जो पढ़ा था, इससे पहले जो दो प्रोग्राम पढ़े थे उसमें मैंने क्या किया था कि क्लास के अंदर ही उसको डिफाइन कर दिया था, लेकिन आज हम क्या करेंगे कि क्लास के बाहर भी डिफाइन करना, आपको मैं बताऊंगा कि कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है, ताकि आपकी ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, और जो आपको रास्ता अच्छा लगे वो आप
चूज कर सकते हो शो और आपके ये यहाँ पर खत्म हो रही है आपकी क्लास। ये पता चल गया होगा मैंने आपको क्लियर किया था कि जब भी क्लास को खत्म करेंगे तब क्या करेंगे क्लोज का, तो इसमें सेमी कॉलन का यूज करेंगे। यदि आप नहीं करते हो तो एरर शो होगी आपके सामने। ठीक है, देखिए बेसिक कंसेप्ट आपको इतना सा बस, ये जो है आपकी क्लास है और इस क्लास को आप कैसे बार डिफाइन करते हैं। तो हम बार डिफाइन करने का मतलब ये है कि हम फंक्शन को बार डिफाइन करेंगे। किसको डिफाइन करेंगे? फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन को जब डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को ले आता हूँ बार डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अगर इसको मैं डिफाइन करता हूँ तो देखिए कैसे करते हैं टेस्ट। देखिए मैंने एक चीज और बताई आपको कि जब भी आप किसी फंक्शन को डिफाइन करते हो तब मेंबरशिप लेबल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? मेंबरशिप लेबल का। और मेंबरशिप लेबल मैंने आपको ये बताया था कि मेंबरशिप लेबल क्लास का नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? क्लास का नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से मिलकर बनता है। तो देखिए यहाँ पर जो टेस्ट है वो आपका ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या होगा? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर या तो आपका मेंबरशिप लेबल। ठीक है, और यहाँ पर आपका टेस्ट हो गया फंक्शन का नेम। यहाँ पर हमने क्या किया? इंटीजर एक्स और इंटीजर y, यहाँ पर करके कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। a बराबर हमने x को असाइन कर दिया और फिर b बराबर हमने y को असाइन कर दिया। ये प्रोग्राम आपका जो फंक्शन यहाँ पर क्लोज। उसके बाद में एक नेक्स्ट आपके फंक्शन और बाकी रह जाता है वर्ड शो वाला। तो वर्ड शो वाले को हम करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे? वही सेम रूल्स, वही आपके मेंबरशिप लेवल का यूज करेंगे। मेंबरशिप लेवल यानी क्लास का नेम विथ इसको प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद फंक्शन नाम क्या आपके शो है, इसके अंदर क्या करेंगे? प्रिंट करवाएंगे। किसको प्रिंट करवाएंगे? जो भी हमने वैल्यू ली थी, तो हम क्या करेंगे? सी आउट वैल्यू ऑफ ए और ए की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे। फिर सी आउट वैल्यू ऑफ बी बराबर बी की वैल्यू पुट करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। ये आपका दूसरा फंक्शन क्लोज हो गया। यहाँ पर देखिए पहला फंक्शन हमने यहाँ पर बनाया, साफ समझ में आ रहा है आपने। दूसरे वाला फंक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हमने किया क्लास के अंदर वो तो क्या होता है? डिक्लेरेशन होता है। क्या होता है? डिक्लेरेशन होता है। और जब क्लास के बाहर करते हैं उसको क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो हमने डिफाइन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो काम होता है क्लास क्लोज होने के बाद में हम क्या करते हैं? मेन फंक्शन का यूज करते हैं। मेन फंक्शन का हम जब यूज करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं? शेल आर्गसर का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपके कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल पार्ट है शेल आर्गसर। और उसके बाद जस्ट हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट का मैंने फॉर्मूला बता रखा आपको कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्लास का बनाते हैं, क्लास का नेम और हमने ऑब्जेक्ट बनाते हैं टी वन। और टी वन के अंदर हमने क्या किया? हम कितनी वैल्यू पास करवाएंगे? जितनी हमने टेस्ट वाले फंक्शन के आर्गुमेंट में दे रखी, कितनी दे रखी? एक्स और वाई दो। तो इसके अंदर मैं दो वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ, 100 और 200। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली हो गया आपके यहाँ पर। फिर उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पर टेस्ट टी टू और इसके अंदर मैंने क्या किया टी वन को पास करवा दिया। और फिर मैंने एक ऑफ आपके ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर हमने क्या किया टी टू को पास करवा दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर शो करके देखेंगे। चाहो तो आप तीनों को शो कर सकते हो, चाहो तो आप किसी एक को भी शो करके दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ टी वन डॉट शो, ताकि आपकी जरूरत की देर कंसेप्ट टी टू डॉट शो। तीनों को शो वाले फंक्शन को कॉल करवाएंगे तीनों के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है। आप चार पांच दिन भी करवा सकते हो। गेट सी एच प्रोग्राम क्लोज। अब देखिए गाइस हमने क्या किया, देखिए वापस इसको समझा देता हूँ एक बार। वर्ड मेन कर्ली ब्रेसेस सी एल आर एस से यहाँ से हमारा प्रॉब्लम मैंने स्टार्ट हो गया कि टेस्ट टी वन ने क्या किया, एक टेस्ट में टेस्ट क्लास का टी वन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाया तो ये क्या किया, जैसे मैंने बात नहीं थी आपको, देखिए जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली कार्य करता है, ऑटोमेटिकली कॉल करता है। ऑटोमेटिकली कार्य करता है तो तुरंत यहाँ पर जैसे बनाया तो इसको इसने कॉल किया
कोज किया तो हमने क्या किया यहाँ पर t1 के अंदर 100 और 200 डाल दिए, तो जो आगे क्या हुआ इसके अंदर और इसके अंदर गए x और y के अंदर गए, इसका मतलब x और y के अंदर कितने आपके 100 है और इसमें x के अंदर 100 और y के अंदर 200 है, तो ये कॉपी असाइनमेंट होगी, तो a के अंदर भी कितने आ गए 100 और आपके b के अंदर क्या आ गए 200 आ गए, ठीक इधर फिर हमने क्या किया यहाँ पर देखिए टेस्ट टू डॉट बनाया, जैसे टू बनाया तो उसकी कॉपी किसमें कर दी हमें T1 में, इसका मतलब क्या हुआ कि T1 है ना यहाँ पर, इसका मतलब ये हो रहा है कि T1 हो गया तो T1 के अंदर कितना था 100 200, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 100 200 है, देखिए यहाँ पर आप चाहो तो सीधे 100 200 लिख सकते हो, चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, दोनों सही है, लेकिन यदि आप यहाँ पर 100 200 करते हो 100 और 200 करते हो तो वो आपकी कॉपी का स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये बात बता चुका हूँ आपको यहाँ पर कि जब भी हम एक से अधिक आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं तब हम उसके स्थान पर ऑब्जेक्ट पास करते हैं, क्या करते हैं ऑब्जेक्ट पास करते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैंने T1 को पास किया है, ठीक है, तो इसका मतलब 100 200 इसके अंदर T2 के अंदर, फिर हमने T2 को यहाँ पर पास करवाया तो T2 जो है आपके 100 200 है वो T3 के अंदर चले गए, इसका मतलब क्या हुआ हमारे यहाँ पर कि तीनों के अंदर क्या हुआ तीनों के अंदर हमारे यहाँ पर 100 और 200 वैल्यू हो गई, T1 के अंदर भी T2 के अंदर भी T3 के अंदर भी, फिर हमने T1 को 100 कॉल करवाया, इसको कॉल करवाया वन को आपने यहाँ पर कॉल करवाया, ठीक है, फिर आपने जैसे कि वन को कॉल करवाया आपके यहाँ पर एक आउटपुट क्या आएगा आपके यहाँ पर आउटपुट आएगा वैल्यू ऑफ ए बराबर कितना होगा, ए की वैल्यू क्या देगा 100, ठीक है, यहाँ पर मैं स्लैश साइन का यूज कर रहा हूँ, फिर आगे क्या देगा वैल्यू ऑफ बी बराबर 200, ये वैल्यू देगा आपके यहाँ पर, फिर आपने क्या किया फिर T2 के द्वारा शो करवाया तो T2 के अंदर भी क्या था आपके आपने क्या किया T1 को करवाया 100 200, फिर T1 को T2 में पास करवाया तो क्या हुआ इसके अंदर भी कोई सेम वैल्यू आएगी, तो क्या होगा प्रिंट क्या हुआ वैल्यू ऑफ ए बराबर 100 और वैल्यू ऑफ बी बराबर 200 सेम, उसके बाद टी थ्री के द्वारा भी हमने शो कॉल करवाया, ठीक है, जैसे इसके थ्रू हमने कॉल करवाया तो आपके फिर से क्या प्रिंट होगा वही बातें प्रिंट होगी वैल्यू ऑफ ए क्या प्रिंट होगी वैल्यू ऑफ ए बराबर ए की वैल्यू कितनी है इसमें भी 100, ठीक है, और वैल्यू ऑफ B बराबर इसमें भी क्या होगी B में भी B की वैल्यू पुट करेगा ये प्रिंट करेगा क्या होगी इसमें भी 200, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर किया आपका मैसेज यहाँ पर प्रिंट होगा तो गेट सेट प्रोग्राम क्लोज, तो आपका जो आउटपुट जो आ रहा है इसमें वो आ रहा है इस प्रकार का, इस प्रकार का आपका आउटपुट आएगा स्क्रीन पर, तो देखिए यहाँ पर आप कहोगे कि हमने सर T1 के अंदर ही ऑन कर दिया 100 200, तो इसके अंदर कैसे है, तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि T1 को इसमें पास करवा दिया इट मीन्स इसको कॉपी करवा दी, कॉपी करवाते तो हूबहू जैसा हमने इसके अंदर दिया है सेम ये सेम एकदम, तो वैसे वैसे सेम इसके अंदर कॉपी हो जाएगा फिर इसके अंदर कॉपी हो जाएगा, और मैंने एक चीज अभी यहाँ पर क्लियर कर गया हूँ कि यहाँ पर यदि आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर T3 = T2 भी कर सकते हो, इस प्रकार से भी आप यहाँ पर पास करवा सकते हो, दोनों तरीके जो आपको अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आज हमने पढ़ा था ये था कॉपी कंस्ट्रक्टर, बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है, और कल हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी किस प्रकार से किया जाता है।